पे सब्र रखो थोड़ा, अंगद और साहिबा के बीच में ना सब ठीक हो जाना है। जिस दिन साहिबा अंगद का विश्वास जीतेगी ना, बस उस दिन वो मेरा विश्वास भी जीतेगी। बेबी प्लीज कुछ खा लीजिए, मैं सवेरे से कुछ नहीं खाया। Excuse me, कौन हो तुम? क्या हुआ? इतना सिंपल सा सवाल समझ में नहीं आया। तुम इस घर की बहू हो? नहीं, इस घर की बेटी हो? नहीं, किसी की बीवी हो? नहीं, किसी की क्या औकात हो गई है तुम्हारी सीरत? नौकरानियों की तरह इस घर में प्लेटें लेकर घूम रही हो। मुझसे उलझने चली थी ना, लेकिन तुम एक बात भूल गई सीरत। लोमड़ी शेरनी से उलझ जरूर सकती है, पर लोमड़ी कभी शेरनी बन नहीं सकती। जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उतना एक्सपीरियंस है मुझे कांड करने में। तभी तो आज भी इस घर में अपनी शर्तों पे रह रही हूं। लेकिन तुम्हारी हालत देखो, आज इस पूरे घर में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो तुम्हारे साथ या तुम्हारे पास खड़ा होना चाहेगा। छोड़ो ये सब, तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। सच, वैसे भी यहां रुक के अब तुम करोगे भी क्या? अरे बाहर जाने का रास्ता यहां से नहीं, वहां से। आप ना मुझे कितने ही ताने क्यों ना मार लो मम्मी जी, अपने आप को मुझसे कितना ही अच्छा क्यों ना साबित कर लो, लेकिन सच तो यह है कि आपकी और मेरी जिंदगी एकदम सेम है। आप देखिए ना, इस घर में हम दोनों को ही कोई नहीं समझता, हम दोनों को ही अपने पतियों का प्यार नहीं मिला।